नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य शिक्षा के अगले वीडियो में हम लोग आपको डिस्कस करते हैं कि वायरस से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे आज हम लोग। जैसे कि हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में घेंघा रोग और एनीमिया जैसे कमी से होने वाले रोगों के बारे में डिस्कस किए थे, आज हम लोग वायरस रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे कि वायरस किस प्रकार से कई प्रकार के रोगों को क्या करता है, प्रभावित करने लगता है और साथ में कई प्रकार के नए नए रोग भी ला देता है। जैसे इस समय COVID-19 चल रहा है, वो भी एक प्रकार क्या है, वायरस जनित रोग है। आप सबको पता होगा उसके अंदर न्यूक्लिक मटेरियल आरएनए है। हम कोरोना पर भी एक वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पारी पारी से एक एक करके जो है हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं रोगों के बारे में, हर एक को कैटेगराइज करेंगे और समझेंगे कि ये रोग कैसे होता है और इसके लक्षण क्या हैं, इसके उपचार क्या हो सकते हैं। इन सब के बारे में हम लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं रोग, वायरस रोग जिसे हम लोग बोलते हैं, वायरल डिजीज भी कभी कभी बोल देते हैं। आज हम लोग वायरस के दो रोग पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से रोग होंगे? एक होगा बर्ड फ्लू, एक है बर्ड फ्लू, दूसरा है स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू ये दोनों ही रोग वायरस से होने वाले रोग हैं। तो बर्ड फ्लू किस प्रकार का कैसे रोग होता है और स्वाइन फ्लू ये किस प्रकार का रोग होता है और क्या इन दोनों को एक ही वायरस अफेक्टेड करता है या अलग अलग प्रकार के वायरस इसको अफेक्टेड करते हैं। यदि हम बात करें बर्ड फ्लू की, तो बर्ड फ्लू का वायरस है H5N1। कौन सा वायरस है? H5N1 वायरस बर्ड फ्लू का वायरस है। वहीं अगर हम बात करें स्वाइन फ्लू के वायरस की, तो उसका वायरस है H1N1। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है कभी कभी स्टूडेंट को कि H5N1 वायरस बर्ड फ्लू के लिए है और H1N1 वायरस स्वाइन फ्लू के लिए है। अब इससे पहले हम लोग बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू को समझेंगे कि ये क्या है। देखिए जो H1N1 वायरस है, ये एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस है, चाहे H5N1 हो चाहे H1N1, ये एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है। यह एक प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस हैं। बर्ड फ्लू दोस्तों, यदि हम बात करें बर्ड फ्लू किस व्यक्तियों को हो सकता है, तो जो चिड़ियाघरों में काम करते हैं, जो चिड़ियाघरों में क्या करते हैं, काम करते हैं लोग, उनको ये बर्ड फ्लू हो सकता है। सबसे पहले यदि हम बर्ड फ्लू को कहें, तो ये प्राथमिकता देता है पक्षियों में होता है। प्राथमिक रूप से कहाँ होता है? पक्षियों में होता है। और फिर पक्षियों से अब कुछ केसेस ऐसे देखे जा रहे हैं कि पक्षियों से ये किस में ट्रांसमिट हो रहा है, चिड़ियाघरों में जो काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको भी बर्ड फ्लू हो रहा है। अभी हाल ही में एक केस आया था चाइना में कि बर्ड फ्लू जो है ट्रांसमिट हो रहा है बर्ड टू ह्यूमन। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा, बर्ड फ्लू H5N1 वायरस के कारण होता है। यह एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है और यह प्राथमिक रूप से पक्षियों में होता है और पक्षियों के साथ साथ जो चिड़ियाघरों में उनके साथ जो काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको भी बर्ड फ्लू होता है। और कि उनको बर्ड फ्लू होता है जो क्या करते हैं, अधपका, अधपका मांस
या अंडा इन सब का सेवन करते हैं उनको भी बर्ड फ्लू जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। अब ये आया कि बर्ड फ्लू के सर लक्षण क्या हो सकते हैं। बर्ड फ्लू के लक्षण जो है होते हैं खांसी खांसी जुकाम, पेशियों में सिकुड़न आने लगी, पेशियों में सिकुड़न आना स्टार्ट हो जाएगी, और साथ साथ क्या हो जाएगा कि जो है खांसी आने लगेगी, जुकाम आने लगेगी, पेशियों में सिकुड़न आ जाएगी, सिर में दर्द होने लगता है। ये सब जो है बर्ड फ्लू के लक्षण हैं। अब पूछा जाएगा कि सर इसका क्या वैक्सीन उपलब्ध है कि नहीं है। यस दोस्तों, इसका वैक्सीन उपलब्ध है और इसको टीकाकरण करके हम लोग बर्ड फ्लू जैसी बीमारी से बच सकते हैं। तो बर्ड फ्लू क्या था आप इन सब के बारे में समझ गए। बर्ड फ्लू H5N1 वायरस के कारण होता है, एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये अधपका मांस अंडा खाने वाले व्यक्तियों को समानता होता है। प्राथमिक रूप से पहले पक्षियों में होता है। इसके लक्षण खांसी, जुकाम, पेशियों में दर्द और सिर में दर्द जैसी होती है और इसके लिए वैक्सीन उपलब्ध है। आइए अब हम अपने दूसरे रोग पर डिस्कस करते हैं जिसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं शुगर इन्फ्लुएंजा। क्या बोलते हैं? शुगर इन्फ्लुएंजा अर्थात स्वाइन फ्लू जो होता है यह प्राथमिक रूप से सुअरों में होता है। प्राथमिक रूप से यह सुअरों में देखा जाता है। लेकिन सुअर का जो मांस होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सुअर के मांस को क्या बोलते हैं आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताएंगे? सुअर के मांस को बोलते हैं पॉर्क। जो लोग पॉर्क अर्थात सुअर का मांस वगैरह खाते हैं उनको स्वाइन फ्लू जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। अब बात ये आई सर स्वाइन फ्लू ज़्यादा खतरनाक है कि बर्ड फ्लू। एक मुताबिक WHO के डाटा के अनुसार बताएं तो स्वाइन फ्लू से ज़्यादा खतरनाक है बर्ड फ्लू, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में हिस्टाडमीन प्रोटीन उपलब्ध है और स्वाइन फ्लू में ज़्यादा मात्रा में हिस्टाडमीन प्रोटीन और न्यूरामिनिडेज ये दोनों ही उपलब्ध नहीं हैं पर्याप्त मात्रा में जितना कि बर्ड फ्लू में उपलब्ध हैं। अब स्वाइन फ्लू जो होता है इसके भी लक्षण क्या हैं? यही सब खांसी जुकाम सिर दर्द इत्यादि ये सब इसके लक्षण हैं। अब क्वेश्चन ये आया कि इसकी वैक्सीन उपलब्ध है कि नहीं है। तो यस दोस्तों, इसकी वैक्सीन उपलब्ध है। तो दोनों ही रोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। एक्चुअली में जो ये फ्लू शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये फ्लू शब्द मतलब ही होता है क्या कि जो है खांसी जुकाम इन सभी जो है होने वाले को हम लोग बोलते हैं फ्लू, और ये पक्षियों में होता है प्राथमिक रूप से और ये सुअरों में होता है प्राथमिक रूप से। सुअर से मनुष्यों में फैलता है, जब वो लोग सुअर का मांस खाते हैं तब फैलता है, या फिर सुअर के संपर्क में रहते हैं लोग उनको होता है, और ये जो है सुअर इन्फ्लुएंजा या H1N1 के कारण होता है और ये H5N1 वायरस के कारण होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने अपने स्वास्थ्य शिक्षा के इस वीडियो में बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के बारे में समझा। जय हिंद दोस्तों।